powerful. Ya Abbas, Ya Abbas. Powerful, powerful. Ya Abbas, Ya Abbas. ये रस्म नहीं है, ये रस्म आजादारी नहीं है। कभी आप समझे कि कोई रस्म आजादारी है जो अलंपा मेंबर लगाए जाते हैं। ये अलंपा मेंबर लगाए किस लिए जाते हैं? इसलिए कि रोजे आशुरा अब्बास की हैबत का आलम यह था कि दुश्मनों ने वार भी किया तो छुप के किया, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी सामने आ जाए। और आप जानते हैं उलमाए किराम ने मुस्तकिल इस जुमले को तहरीर फरमाया है, अब्बास की हैबत के हवाले से जासूस लगे रहते हैं ना, इसलिए लगे रहते हैं जासूस ताकि ये बताएं कि लश्कर कितना है, खैमे कितने हैं, सिपाही कितने हैं, घुड़सवार कितने हैं, प्यादा सिपाही कितने हैं, नेजे बरदार कितने हैं, तलवार से लड़ने वाले कितने हैं, खैमे कितने हैं, खैमे कितने हैं, खैमे कितने हैं। तमाम उलमा ने इस जुमले को लिखा कि अब्बास की हैबत का आलम यह था कि दुश्मन का कोई जासूस इस बात में कामयाब नहीं हो सका कि वो किन के बताए अब्बास के खैमे कितने हैं, हुसैन के खैमे कितने हैं। नहीं अजीजों, इस चूल्हे को खतीब ने बड़ा सजा के पढ़ाए, मैं उसके अंदाज में पढ़ देता हूँ ताकि आपको तमाम लोगों ने लिखा है, तमाम ने लिखा हैबत अब्बास के हवाले से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खैमे हुसैन के खैमे गिन सके, हुसैन के खैमे गिन सके। जब यजीद ने ये लिख के खत भेजा था कि पिछले साथ जरा बता तो सही हुसैन के खैमे कितने हैं, जब यही रद्द बदल होता रहा कि पता खैमे कितने हैं, पता खैमे कितने हैं, पता खैमे कितने हैं, तो पिछले साथ ने पलट के जवाब दिया, अरे किसकी माँ ने इतना खालिस खून मिलाया। एक अब्बास का आलम, मौला ये तलवार का आलम से ताल्लुक क्या है भैया? तो आलम लाए या तलवार लाए? तो इमाम का शायद जवाब आए, जानते हो तुम आलम लेकर निकलते हो तो जितने चाहने वाले हैं वो आलम की तरफ दौड़ के भागते हैं। एक गुजारिश करूं अगर नागवार न गुजरे, खबरदार जब भी अलम अब्बास की या ताबूत आने शबी ताबूत की ज्यारतें करना, पाप रहना करना, इसके जो मर्तबा है इसको कभी पामाल ना होने देना कि आप जूते पहने हुए हैं अलम उठा रखा है, चप्पल पहने हुए हैं कोई पैर खिस हो जाएंगे दो लम्हे के लिए, अगर चप्पल उतार के आप जियारत कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, इसके एहतराम को बरकरार रखना है, जूते चप्पल उतार के इसके एहतराम को करना, इसके एहतराम को बरकरार रखना। मौला ये एक हाथ में तलवार, एक हाथ में आलम,
भरपूर तवज्जो का। देखो आलम का कमाल यह है कि जब आलम लगाया जाता है तो चाहने वाले हुसैन के हों या हसन के, चाहने वाले वाली के हों या फातिमा के, हर कलमा को आलम की तरफ दौड़ता है, साया आलम में आ जाता है, साया आलम में आ जाता है। अब इतना वक्त कहा कि मैं आने के बाद पूछता चलू कौन हलाली है कौन गैर हलाली है, बस आलम को लगा दूंगा। हुसैन है क्योंकि बाबुल हुसैन है, हुसैन का दरवाजा है मुकद्दमा है, हुसैन तक जाना है तो अब्बास तक आओ। अब्बास के बगैर कोई हुसैन तक जा नहीं सकता, अगर कोई कोशिश भी करे, कोई कोशिश। जुमला सुनाऊं मैं आपको, मैंने किसी आलिम से एक मौजदा सुनाई कि एक शख्स करबला में रहते थे तो रोजाना दो चार मरतबा इमाम हुसैन की ज्यारत के लिए जाते तो हफ्ते में एक दो बार मौला अब्बास की ज्यारत के लिए। हाँ बराबर मौला अब्बास की ज्यारत के लिए ज्यादा जाते थे और इमाम हुसैन की ज्यारत के लिए थोड़ा सा कम जाते थे। तो खान में मौला अब्बास आए थे और आने के बाद का क्या मेरी आका की ज्यारत के लिए क्यों नहीं जाते, मौला जाता तो हूँ का नहीं मेरी ज्यारत के लिए चाहे कम आओ मगर हुसैन की ज्यारत के लिए ज्यादा जाओ, मुझे उन पर तरजीह न देना, मुझे उन पर तरजीह न देना। साहिब एक किताब है तफसीर कुरान सूरह यूसुफ के हवाले से अल-जमाल वल-कमाल, उसमें साहिब किताब का फिक्रा लिखा है कि अगर अब्बास की असमत को समझनी हो तो ऐसे समझो कि अब्बास उस हस्ती को कहते हैं जिसने जिंदगी भर अपने आप को हसन हुसैन के सामने गुलाम बना के पेश किया, कभी भाई न कहा, हमेशा जख्म किया दावा गुलाम किया। साहिब अल-जमाल वल-कमाल ने जुमला तहरीर किया है उन्हीं का नुक्ता है जो आपकी नजर पड़ने लगा, कई कमाल मरतबा अब्बास है कि जब भी पेश किया अपने आप को गुलाम बना के पेश किया कभी भाई नहीं कहा अरे अली का बेटा है या उनकी औलाद कोई है, अपने आप को बढ़ा के पेश कर दे, हमेशा घटा के पेश किया, हमेशा घटा के पेश किया। ये है अब्बास जिनका एक लकब है बाबुल हुसैन, एक लकब है जनाब अब्बास का, और वो लकब क्या कहूं, लकब नहीं वो कुनियत है और उस कुनियत का नाम है अबुल फजल। क्या नाम है? अबुल फजल। कई सारे हैं जो जनाब अब्बास की विलादत हुई तो जनाब जैनब ने पूछा बाबा मेरे भाई की कुनियत क्या है, पलट के कहा अबुल फजल, कहा पेशानी की त्योहर बता रही है कि फजीलत इसका तवाफ करती है, खुश रहे। अगर कभी जुमले याद आ जाए तो दुआओं में याद रखिएगा। है जानते हो फजल किसे कहते हैं, लफ्ज है जिससे इस्तेफादा किया है, दो जुमले हैं, एक लफ्ज को कहते हैं अदल, एक को कहते हैं फजल। अदल किसे कहते हैं, फैसले हम बारगाह इलाही में जब दुआ करते हैं तो ये कहते हैं परवरदिगार को हमारे साथ अदल से काम न लेना फजल से काम लेना, इसलिए कि अगर वो अदल से काम लेगा तो एक पानी का खतरा जो हमारे गले से गुजरता है उसका हक भी हमने जिंदगी में हमने पता नहीं किया होगा, उस एक पानी के खतरे के चक्कर में अगर वो अदल से काम ले लें तो हम फायदा नहीं कर सकते, फजल से काम लेना तेरे फजल। अब चूंकि अल्लाह अल्लाह है उसकी सिफात के मजहर है अहले बैत, मजहर सिफात महबूद है ये, अब ये उसकी सिफात को साहिर करते हैं। अब अल्लाह आदिल भी है और अल्लाह फजल से काम भी लेता है, तो अब आदिल किसे कहते हैं फजल किसे कहते हैं, पूरे मजमे की भरपूर तब आदिल किसे कहते हैं फजल किसे कहते हैं। एक शख्स बारगाह अली में लाया गया, जैसे ही लाए गए तो काजी ने पहचानते हैं कहा मुझे क्या मतलब कौन है, कहा मौला ये चोर है इसने चोरी की है। मौला ने सवाल किया आपने चोरी की है, कहा जी चोरी की है। वाह मैंने कहा यार मुकर जाता, पलट के कहा एक तो चोरी की है पहला चोर, दूसरा उसके सामने पलट जाऊं जो दिलों के हालात जानता है, और खुदा ने तवज्जो फरमाई है।
उसके सामने होकर जाओ, जो दिलों के हालात जानता है। फौरन मौला चोरी की है, इमाम ने कहा लंग उंगली आगे बढ़ाओ। उन्होंने उंगली आगे बढ़ाई, इमाम ने उसके दोनों हाथों की उंगलियां काट दी। अब खून हाथों से बह रहा था, वो मस्जिद से बाहर आया। आने के बाद कसीदा पढ़ना शुरू किया, अली ने मुझे आखिरत की सजा से बचा लिया, अली ने मुझे आखिरत की सजा से बचा लिया। वाह अली तेरा कमाल क्या है, वाह अली आपका मर्तबा क्या है, वाह अली आपका रुतबा क्या है, वाह अली आपकी मंजिलत क्या है, वाह अली आपकी अस्मत क्या है। जब इसकी जबान से अली अली का कसीदा सुना तो सुनो मस्जिद में आए, और आने के बाद कहा या अली जिसकी आपने उंगलियां काटी थी वो आपका कसीदा पढ़ रहा है। अली ने कहा बुला के लाओ। उसे बुलाया गया, उसे बुलाया गया, अली ने कहा हाथ आगे कर। उसने हाथ आगे किया, जैसे हाथ किया उंगलियां रखी, हाथ फेरा उंगलियां वापस रखी, किस्मत में औलाद है। इसने पूछा था, मांगा नहीं था। पहला सवाल पढ़ने में कभी कभी हम ही गलती कर देते हैं। इसने पूछा था या नबी अल्लाह मेरी किस्मत में औलाद है, नबी ने कहा भाई नहीं है। पूछ लिया, मांग लेता तो शायद दे देते हैं। मैंने पूरे वाक्य को दो चूने में खत्म कर दिया है। आपको ये ना कहे कि दोनों मेरे नवासे में कोई अनबन थी, कि नाना मना कर रहा था, नवासा दे रहा था। नाना से मांगा नहीं था, बस पूछा था क्या मेरी किस्मत में औलाद है, नबी ने कहा नहीं है। आयतुल्लाह मुस्तफा ने जुमले लिखे हैं कि सीढ़ियों से उतरते हुए ईसाई के कदम थे और फातिमा के लाल के चढ़ते हुए कदम थे। बारगाह नबूवत से उदास चेहरा आते हुए देखा, पलट के पूछा क्या हुआ, का किस्मत के लिए औलाद देखने आया था मिली नहीं। कहा मेरे साथ बारगाह रिसालत में पहुंचे, या रसूल अल्लाह इसकी औलाद का नहीं है, का मैंने एक दी। का नबी ना बेटा किस्मत में नहीं है, मैंने दो दी। बेटा किस्मत में नहीं है, मैंने तीन दी। बेटा किस्मत में नहीं है, मैंने चार दी, मैंने चार दी, मैंने चार दी। फिर चूल्हा है सुनिया माता ठहर सकता हुआ के 20 मिनट तक, मगर क्योंकि नतीजा देना है इसलिए दो लाख में दे दिया। नबी कह रहे आए नहीं, नवाजा कह रहा है दो तीन चार, ये फल क्या है, का फल कुछ नहीं है, बस समझो जो नबी कह रहा है वो आदिल है, जो उसे दे रहा है वो कुछ है। जो उसे दे रहे हैं वो फजल है। भरपूर तवज्जो, भरपूर तवज्जो, फिर तवज्जो, वो फजल है। दुनिया के तारे सारे मुहक्किकीन को करबला की जमीन का मुआयना करने के लिए बुलाया गया, कब इस जमीन का जरा मुआयना करके फरमाए इसकी कैपेसिटी कितनी। दुनिया के बेहतरीन इंजीनियरों ने उसका मुआयना किया, मुआयना करने के बाद बताया 18 लाख। चाहे बिठा दो या खड़े कर दो, 18 लाख, इससे ज्यादा लोग इसमें नहीं आ सकते। मगर दुनिया के सारे जर्नलिस्ट की निगाहें जब 40 पर करबला में पड़ी तो जर्नलिस्ट की सुइयों ने घूमना शुरू किया। 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख,
था, ये फजल लव से इस्तीफा का किया है, लव से इस्तीफा का किया है, लव से इस्तीफा का किया है, भरपूर मजबे की भरपूर तवज्जो। फजल समझ में आ रहा है ना जो इख्तियार से ज्यादा मिले, फजल समझ में आया ना जो कुल्ला से ज्यादा मिले, फजल समझ में आया ना जो औकात से ज्यादा मिले, फजल समझ में आया ना जो हैसियत से ज्यादा मिले, फजल समझ में आया ना जो लिमिट से ज्यादा मिले। कौन समझेगा ये बाबुल हुसैन है भाई? जिंदाबाद जिंदाबाद। फजीलते जिसका ताफ करे उसे अब्बास कहते हैं। कौन समझेगा मेरे बाजी को? इजाजत दो तो एक चुनले और फसाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दो तीन तकरीरें हैं और मौला अब्बास ने भी बहुत कुछ बचा है।